हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी सेइंग आई एम सॉरी, पिछला मन की बात का एपिसोड यानी कि मोटिवेशनल सेशन नहीं हो पाया। पेपर्स तक कामों में फंस गए थे, इंडिया चाइना का विवाद चल रहा था ना, उस पर डिस्कशन करने गए थे। मजाक कर रहा हूँ। आज फिर से आया हूँ आपके सामने लेकर मन की बात का एक और फ्रेश और कमाल एपिसोड, जहां पर हम लोग बात करेंगे, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, सक्सेस एंड फेलियर के बारे में। बहुत ही कमाल वीडियो होने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपसे बता दूं कि कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो भी बताइए, चाहते हैं किस विषय पे बात करूं तो वो भी सजेशंस और कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को शेयर करिए, लाइक बटन दबाना मत भूलिए और जल्दी से बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए जिससे कि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में और फेलियर के बारे में। सक्सेस और फेलियर आपको मालूम है, दोनों बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे मिलते जुलते वर्ड हैं, क्या हो गया आज दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? नहीं, दिमाग नहीं खराब हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोथ आर सेवन लेटर वर्ड्स विच आर सक्सेस एंड फेलियर, और ये दोनों ही वर्ड दो किसी भी इंसान की लाइफ में आते ही आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसने इन दोनों वर्ड्स को नहीं देखा हो। आपको मालूम है सक्सेस और फेलियर आर पार्ट ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इसीलिए दोनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए सक्सेस कैसे हैंडल की जाती है और फेलियर से कैसे बाहर निकला जाता है। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में। तो सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस के अगर हम एक वर्ड में डेफिनेशन बोले तो जीवन में आप जो चाहते हैं अगर आप वो अचीव कर ले जाए तो वो सक्सेस है। छोटी छोटी खुशियां अगर आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाती है लाइफ में तो वो सक्सेस है। अगर आप जो चीज चाहते हैं लाइफ में अपनी लाइफ लॉन्ग उसे नहीं हासिल कर पाते और फाइनली गोविंदाय नमो नमः हो जाता है यानी कि हमारी डेथ हो जाती है तो वो फेलियर है। बाकी जो छोटी मोटी परेशानियां दिक्कत आती रहती है दैट इज नॉट अ फेलियर, दैट इज अ हर्डल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, That is a hurdle of life. Fail आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप चाहेंगे कि नहीं, आप खुद एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप फेल हो गए। अदरवाइज यू आर नॉट अ फेलियर, यू नॉट फेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर ऑल हर्डल ऑफ लाइफ। सक्सेस, इसीलिए मैंने कहा ये ऐसी चीज है जो लाइफ सिखाती है और लाइफ ही हमें सक्सेस के पाथ पर आगे बढ़ाती है। अपने किससे? प्योर डिटर्मिनेशन, प्योर हार्डवर्क। एक छोटी सी इंसिडेंट आपको बताता हूं। एक जिराफ होता है, अब मानो जिराफ कितना बड़ा एनिमल है, और दूसरी चीज जिराफ एक वेजिटेरियन एनिमल होता है। जब कभी मदर जिराफ कंसीव करती है, कंसीव करना जानते हैं मतलब जब उसको बेबी होने वाला होता है, आपको मालूम मदर जिराफ कभी भी बेबी जो मदर जिराफ को होता है वो कभी भी आपका बैठ के नहीं देती बेबी, वो खड़े खड़े बेबी होता है उसको। और जैसे ही बेबी होता है, जिराफ की मैं पिक अटैच कर दिया हूं, जरा देख लीजिए इसकी हाइट क्या है, और इस हाइट से जब बेबी जमीन पे गिरता है ना धड़ाम से, तो बेबी को तो पहले तो पता ही नहीं चलता होगा क्या हो गया, कहां गिरा मैं आके। और जैसे ही वो गिरता है मां एक लात खींच के मारती है उसे धड़ाम से, और मां जब एक लात मारती है तो बेबी कहता है अरे अभी अभी तो आया था दुनिया में और आते ही लात पड़ गई, ये कौन सा नया खेल। जब ये सोच ही रहा होता है तभी मदर जिराफ एक और लात मारती है। क्यों मारती है? अरे भाई, अब जिराफ को लगा यार ये क्यों मार रही है भैया, अभी तो मैं जाया हूं, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का, मेरे को लाती लात पड़ रही है, चलो मैं खड़ा हो जाऊं। अपनी जो स्टम्बलिंग लेग है, जो पहली बार वो खड़ा होता है एकदम हिल डुल रहा है खड़ा होते समय, तभी एक लात और धड़ा, जैसे वो लात पड़ी वो गिर गया जमीन जमीन पे, जब वो धड़ाम से गिर गया तो तुरंत वो खड़ा हो जाता है कि अरे यार मैं अगर खड़ा नहीं हूं लात पे लात पड़ती जाएगी। मदर जिराफ क्यों चाहती है ये? आपको मालूम है जिराफ का जो फ्लैश होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, इसको हाइना और लाइन बहुत ही चाव से खाते हैं, तो
तो मदर जिराफ को तो मालूम है ना कि हमेशा वो उसके साथ नहीं हो सकती, अपने बच्चे के साथ नहीं हो सकती, तो अगर वो खड़ा नहीं होगा, दौड़ेगा नहीं, तो लाइफ में कभी भी वो सक्सेसफुल छोड़ो सर्वाइव ही नहीं। तो लाइफ में अगर सर्वाइव करना है ना, तो लाइफ भी हमें किक देती है, लाइफ भी हमको बार बार उठने के लिए क्या करती है, किक देती है। जो उठ के खड़ा हो गया और भाग गया यानी चल उठ गया, तो वही सक्सेसफुल होता है। और याद रखिएगा, कोई ऐसा इंसान जीवन में नहीं होता जिसको फेलियर नहीं मिला। आपको मालूम है, जिसको फेलियर नहीं मिला यानी यू आर प्लेइंग टू सेफ। फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है, फेल होने से तो डरो मत। दुनिया में अगर कोई कह दे वो फेल नहीं हुआ ना, तो समझ लेना उसने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बड़े इंसान को, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को किसी भी इतिहास में उठा लो, अगर उसके बारे में जब भी पढ़ोगे तो आपको हमेशा उसकी स्टार्टिंग फेलियर से ही मिलेगी। क्योंकि फेलियर इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम आजाद, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं प्लस मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा फेलियर इज बेसिकली फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग, इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट को आप कैसे भूल सकते हो? तो ये तो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो कभी भी आप फेलियर से ना डरिए, क्योंकि फेलियर तो हमेशा आपको एक इंस्पिरेशन देता है कि दैट यू हैव टू डू द वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। अब फेलियर को फेस कैसे करना है, उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा, जिससे कि आपको मालूम चलेगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फेलियर को कैसे हैंडल करना और सक्सेस को कैसे हैंडल करना। एक बार क्या हुआ कि एक स्विमिंग पूल के किनारे कुछ फ्रेंड्स बैठे थे, तीन फ्रेंड्स थे बेसिकली, आपस में बैठे थे, बात कर रहे थे। और स्विमिंग पूल में आपको मालूम है ना, स्विमिंग पूल में बेसिकली क्या होता है, एक साइड पे शेलो होता है वाटर, मतलब हल्का छिछला पानी होता है जिसे कहते हैं, गहरा कम होता है, और एक साइड पे बहुत गहरा पानी होता है। जब वो लोग देख रहे थे कुछ लोग वहां पे स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो बेचारे तीनों में से किसी को स्विमिंग नहीं आती। जब तीनों में से किसी को स्विमिंग नहीं आती थी, तो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और अपना आपस मन में ही सोच रहे थे कि ये लोग स्विम कैसे कर रहे हैं, ये लोग इतने गहरे पानी में स्विम कैसे कर रहे हैं। पहले दोस्त ने सोचा यार ये लोग स्विम कैसे कर रहे हैं, ये स्विम करना तो बड़ा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीज जो है ये मेरे लिए बनी ही नहीं। अब आप खुद ही समझ लीजिए, जब उसके मन में ये ख्याल आ गया तो वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कभी सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। If you want to achieve success in life, तो first thing याद रखिए कि never say that I cannot do it. आपको मालूम है, जिस दिन आपने सोच लिया कि आप कर सकते हैं, उस दिन आप उन 99% लोगों से आगे हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो यही सोच रहे हैं ना बैठ के कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, उस दिन आप उन 99% लोगों से आगे हैं, आप वो 1% पर्सन में से हैं जो सक्सेस को अचीव करने की राह पे निकल पड़े हैं। निकल पड़े हैं तो मुश्किलों का सामना करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी लेसन उठाते हैं तो क्या वो लेसन एक बार में आ जाता है? उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर फोकस करते हैं और अल्टीमेटली आप सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने डिटर्मिनेशन लिया, आप राइट ट्रैक पे थे। अगर आप यही सोच लें कि हमारे पास ये कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे आएगा ही नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, तो सबसे पहली चीज आपने एक्सेप्ट कर ली डिफीट, और डिफीट एक्सेप्ट कर लिया तो यानी वो आपका फेलियर ही है लाइफ। आ जाते हैं दूसरे दोस्त पे। दूसरा दोस्त जो था वो सोच रहा था, अरे यार इसने क्या है, ये तो बहुत आसान है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, इसमें करना क्या, हाथ ही पैर तो चलाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। ये स्मार्ट नहीं, ये ओवर स्मार्ट कैटेगरी के लोग। ये लोग उस पानी में उतर जाते हैं जिस पानी की इनको गहराई भी नहीं पता। तो इस सिचुएशन से भी आपको बचना है। ये तरह के दोस्त क्या होते हैं ना, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच चल रहा होता है, दो बॉल अगर धोनी ने प्ले कर लिया या वो लिफ्ट कर दिया, तो बोलते अरे यार क्या खेल रहा है, इससे अच्छा तो मैं खेलूं। तो जब वो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो कूद जाते हैं पानी में बिना सोचे समझे, वो कूद गए। जब कूद गया तो आपको मालूम है क्या होगा उसका, या तो वो सीधा परलोक सिधार जाएगा, या तो फिर कोई बाहर निकालेगा पूछना क्या हुआ, करना क्या चाहते थे भैया, क्यों कूद गए थे, जीवन से प्यार नहीं है। अब इस तरह की कैटेगरी के लोग भी जीवन में कभी सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अटेम्प्ट कर लिए पहली बार में, लेकिन क्या किए, एक बिना प्रिपरेशन के अटेम्प्ट करने से आपके दिमाग में और आपके दिल में हमेशा एक डर बैठ जाएगा, और उसके दिमाग में भी एक डर बैठ जाएगा कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं डूब रहा हूं।
मैं डूब जाऊंगा, मैं सक्सेस नहीं अचीव कर सकता, मैं पानी में तैर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बुरा फेलियर देखा, क्योंकि वो बिना प्रिपेयर किए गया। तो इस कैटेगरी से भी बचिए और इस कैटेगरी में भी मत जाइए। थर्ड कैटेगरी का जो पर्सन था वो राइट ट्रैक पे गया। उसको दिमाग में आया जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन वो कूदा नहीं, वो जाकर उनसे मिला, उनसे पूछा कि ये कैसे करते हैं, इसकी टेक्निक क्या है। जब उसने उस टेक्निक को सीखा तो वो हल्के पानी में स्विम करना स्टार्ट किया, फिर थोड़े गहरे पानी में किया, फिर उसने सीधा तैरा, उल्टा तैरा, और फिर वो जाकर नदी तक यानी कि रिवर पे भी स्विम किया। यानी कि आपको इसके बारे में क्या पता चलता है कि आपको डिटर्मिनेशन से और राइट अप्रोच, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट के साथ फेस करना है कोई भी चीज, तो कभी भी आप अनसक्सेसफुल नहीं होगे लाइफ में। बाकी हर्डल्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो आपके पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमेशा आपको साथ में मिलते जाएंगे। हर्डल को एक सिंपल सी चीज समझो कि जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन के प्लेटफॉर्म आते हैं, इसी तरह से हर्डल्स भी लाइफ के प्लेटफॉर्म है। उस जगह पे गाड़ी थोड़ी देर इंतजार हो गया, गाड़ी का हॉल्ट हो गया, फिर दुगनी स्पीड से चलेगी अपनी डेस्टिनेशन को पाने के। तो उसी तरह से अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी मेहनत को लगा। आज की सक्सेस स्टोरी के बारे में एक जन की बात करेंगे जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। उससे पहले आपको बता दिया मैंने कि फेलियर कैसे आपको हैंडल करना है, करेक्ट? तो ये चीज याद रखिए, लाइफ में फेल होना इज नॉट रॉन्ग, फेल होना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस फेल होने से कभी घबराना नहीं है और अपने चीजों को प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर ऑर्डर में लेकर चलना। आपको एक छोटी सी रिसर्च के बारे में बताता हूं, मार्शमेलो रिसर्च, बड़ा ही मजेदार सा आप कह सकते हो रिसर्च है। बेसिकली क्या हुआ, यूरोपियन कंट्री में मार्शमेलो, जानते हैं मार्शमेलो एक वहां का स्वीट डिश होता है, जैसे हमारे यहाँ रसगुल्ला होता है ना, यहाँ पे कुल्फी होती है, कैंडी फ्लॉस होता है, उसी तरह से वहां पर स्वीट डिश मार्शमेलो होता है, बच्चे क्रेजी होते हैं उसके लिए। एक जगह पर उसने, अब यहां पर क्या किया मार्शमेलो रिसर्च में, एक जगह पर अलग अलग जगह तीन बच्चों को बैठाया गया और तीनों बच्चे जो जिनकी एज केवल 5 साल थी, और उनको बोला गया कि ये लो मार्शमेलो, ये तुम्हारे सामने रखा है, लेकिन तुम इसे खाना मत, अगर तुम इसे खाओगे नहीं तो मैं तुम्हें दूसरा मार्शमेलो दूंगा, और अगर तुमने खा लिया तो तुम्हें दूसरा मार्शमेलो नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, जब ये रिसर्च की गई तो देखा गया कि जिन बच्चों ने मार्शमेलो नहीं खाया था उन्हें दूसरा मिला भाई, और जिन्होंने खा लिया कोई बात नहीं। तो जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया वो बिलियनियर्स बने, ट्रिलियनियर्स बने, कंपनियों के मालिक बने, और जो बेचारे मार्शमेलो खा लिए थे उनमें क्या थी, पेशेंस की कमी थी, और वो क्या रह गए, मीडियोकर रह गए, सैलरी में ही रह गए और एक जगह पे सैलरी में काम करते रह गए। तो यहां पर एक चीज सीखिए जो इस रिसर्च के थ्रू सामने आई कि पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद डेडिकेशन। मैंने बताया डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आप पेशेंट हो जाएंगे, मजाक कर रहा हूं, अगर आप पेशेंस नहीं रखते तो पेशेंट हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर पहुंच जाएंगे। लाइफ हमेशा सक्सेस देती है लेकिन बहुत इम्तिहान लेती है, कहते हैं ना कि सफलता का जो फल होता है ना वो मीठा तो बहुत होता है लेकिन उगता बड़ी धीरे धीरे। तो अगर उसका पेशेंस से आप इंतजार नहीं करोगे तो क्या होगा, कच्चा फल मिल जाएगा, और कच्चा फल हमेशा क्या होता है, स्वाद कमी होता है उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। इसके बाद सक्सेस को कैसे हैंडल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। सक्सेस हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका, बी डाउन टू अर्थ, कीप ऑन ट्रैकिंग हार्ड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन लर्निंग। जिस दिन आपने सोच लिया अहम ब्रह्मास्मि न भूतो न भविष्यति, का क्या मतलब है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं सब कुछ सही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई सही नहीं है, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप सक्सेसफुल तो हो गए थे उस समय, लेकिन अब आपके डाउनफॉल का पाथ स्टार्ट हो गया। तो सक्सेसफुल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी, आप कह सकते हो डिफिकल्ट, बट इट इज इवन मोर डिफिकल्ट टू परटेन एंड टू कंसिस्टेंटली अचीव दैट सक्सेस। उसे और मुश्किल है कि उसको कैसे आप और ज्यादा आगे लेकर चलेंगे।
अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं है, अगर आप हम्बल नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड हैं, तो याद रखिएगा सक्सेस कुछ दिन की ही मेहमान है। तो ये चीज है सक्सेस को हैंडल कर। आ जाते हैं आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पे, जो सक्सेस स्टोरी में आपको आज बताने वाला हूं बिल गेट्स के बारे में। आपने मालूम है बिल गेट्स का नाम सुना होगा आपने, ही इज अमंग द टॉप बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। इनकी संपत्ति जानते हैं कितनी है? 580,000 करोड़ रुपए। सुनने में कितना बड़ा लगता है, इतनी संपत्ति है उन्हें। इनकी पर मिनट की अर्निंग है 15 लाख रुपए और इससे भी ज्यादा होती जा रही है। साथ ही साथ अगर कहा जाता है अगर इनका खुद का एक कंट्री होता, इनका खुद का एक देश होता, तो दुनिया का 37वां सबसे बड़ा और अमीर देश होता। तो इसी से पता चलता है कि ये कितने सक्सेसफुल हैं। लेकिन वो सक्सेस एक दिन में नहीं आई, वो सक्सेस आई उनके करेक्ट डिटर्मिनेशन से और करेक्ट विजन से। आपको मालूम है कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, आपको बहुत से लोग बताएंगे ये कॉलेज ड्रॉप आउट थे। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वो कॉलेज छोड़ने की वजह मैं आज आपको बताता हूं उन्होंने क्यों कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन वो बहुत ही ब्रिलियंट और जीनियस स्टूडेंट, और इन्होंने अपने हाई स्कूल में 1600 में से 1590 मार्क्स स्कोर किए थे। और अपने हाई स्कूल को कंप्लीट करते करते इन्होंने कंप्यूटर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बनाए। और इनके एक फ्रेंड थे जिसका नाम था पॉल, उनके साथ मिलकर इन्होंने कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाया और $20,000 का इनाम जीता था अपने हाई स्कूल में। और उसके बाद इनके फादर चाहते थे कि ये लॉ की पढ़ाई करे, इसलिए उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डाल दिया। लेकिन आप जानते हैं इनका मन तो किसमें लगा था, कंप्यूटर में लगा था। और इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और कुछ ही समय में माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री का आप कह सकते हो स्टार्टिंग कर दिया। 1975 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की और उस स्टार्टिंग में वो केवल अपने सेकेंड ईयर में थे। थर्ड ईयर आते आते फाइनली उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन उस समय तक वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास डिग्री भले ही ना हो दिमाग बहुत बड़ा था। और वो दिमाग क्या था, ये नहीं होता कि कोई इंसान बाय बर्थ जीनियस होता है। उन्होंने उस पर डिटर्मिनेशन से वर्क किया, उन्होंने अपने सब्जेक्ट को चूज कर लिया और उस पर विजन और उनके फोकस के साथ लगे। उन्होंने अपनी कभी भी मेहनत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो वो करिए जो आपका इंटरेस्ट हो और उसको पूरी तरह से डिटर्मिनेशन के साथ करिए, जिससे लाइफ में सक्सेस आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि लाइफ आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगी, लाइफ हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो लोग कहते हैं मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी वो बेवकूफ। क्यों? क्योंकि लाइफ तो अपॉर्चुनिटी हर सेकंड देती है, हमें ग्रैब करना जरूरी है। इसीलिए मैं एक चीज बताता हूं, आज का जो गुरु मंत्र है, डोंट गो थ्रू द लाइफ, जस्ट ग्रो थ्रू द लाइफ। इसका क्या मतलब है? लाइफ में केवल जिए नहीं, लाइफ को बढ़ाइए, लाइफ में बढ़िए, लाइफ को अपने एंजॉय करिए टू द फुलेस्ट। और उसी कर फेलियर्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो सफलता सिखाती है वो आपका कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल इंसान को तो मिल गया जो मिलना था। जो विफलता सिखाती है वो जीवन भर आपके साथ रह जाता है। इसीलिए कहता हूं फेलियर टीचेस यू मोर देन योर सक्सेस। तो डोंट अफ्रेड ऑफ योर फेलियर्स, बिकॉज फेलियर्स आर फर्स्ट स्टेप इन योर अचीवमेंट्स एंड लर्निंग्स एंड यू विल अचीव सक्सेस। आप जीत जाएंगे, आप सीख जाएंगे, आपको कॉन्स्टेंटली अच्छा तरीके से प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, लाइक बटन ना दबाना भूलिए और कमेंट करके बताइए चीजें कैसी लग रही है और किस टॉपिक पे मुझे और बात करनी चाहिए आपके साथ। बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।